राज्य विधानसभा री कार्यवाही प्रश्नकाल रे साथे वी शुरू शहीद दिवस माते 2 मिनट राख्यो गयो मौन और प्रश्नकाल माए जिला री सुरक्षा और शमशान और कब्रिस्तान रा विकास ने लेर विधायक करिया सवाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री पुण्यतिथि आज राजघाट स्थापित बापूरी समाधि माथे वी सर्वधर्म प्रार्थना सभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पुष्पांजलि कीनी अर्पित। भारत और सऊदी अरब रे बीच महाजन रेंज माए चाल रियो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक दोनों देशा रे बीच सैन्य सहयोग ने मिले लो बढ़ावो। कुष्ठ रोग निवारण दिवस आज जयपुर माए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान री वी शुरुआत 13 फरवरी ताई चाले लो अभियान। हर प्रदेश माए लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु उत्तर पश्चिम राजस्थान माए बिरखा होबारी संभावना मौसम विभाग काने सु श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ समेत कई क्षेत्र माए मेघ गर्जन रे साथे वे सके है बिरखा। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार आमाए आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूँ आपरे साथे पुलकित अरबे खबरा विगतवार। राज्य विधानसभा री कार्यवाही प्रश्नकाल रे साथे शुरू हुई। सबसे पहला शहीद दिवस माते 2 मिनट रो मौन राख्यो गयो। प्रश्नकाल रे दौरान विधायक रफीक खान काने सु जेला माए सुरक्षा अरुणरा विस्तार ने लेर सवाल करिया। इन माथे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जवाब देता तका कहो कि कैदिया री संख्या रे मुजब सरकार जेला रो विस्तार करेली वटे ही वणा नुवा जिला माए भी जेल बनाबारो आश्वासन दियो वटे ही जेला री सुरक्षा ने लेर कहो कि समय समय माथे कार्यवाही करी जावे है। इन रे पाछे विधायक कालूराम शमशान और कब्रिस्तानारा विकास ने लेर प्रश्न कीना। इन माथे ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहो कि सरकार शमशान और कब्रिस्तानारो विकास ग्राम पंचायत रे जरिए करावे है वटे ही वणा सदन ने बतायो कि महात्मा गांधी नरेगा रे तहत इनरो एक बार में ही काम करवायो जा सके है। तो माननीय मंत्री महोदय जो पूर्ववर्ती सरकार में शमशान घाट बनाए गए थे उनको अपनी सरकार क्या सही कराने की मंशा रखती है और हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? शमशान एवं कब्रिस्तान 230 स्वीकृत किए गए थे उनमें से 122 बन गए 108 निर्माणाधीन है अधूरे जो पड़े हैं ये बता रहे हैं उनमें उनमें कोई क्षति है तो मनरेगा में एक बार उसका जो डैमेज हुआ है उसको सैंक्शन करके कराया जा सकता है दोबारा अगर डैमेज होगा तो नहीं कराया जाएगा। आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी री पुण्यतिथि है। राजधानी दिल्ली रा राजघाट स्थापित बापू री समाधि माथे प्रार्थना समारोह आयोजन करियो गयो। इन मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित कीनी। सत्य और अहिंसा रा मार्ग माथे चालता थका महात्मा गांधी ना सिर्फ अंग्रेजा ने भारत छोड़बा खातर मजबूर कीना बल्कि लोगा रा जीवन माए भी बदलाव लावण रो काम करिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी ने अंतरिम बजट पेश करबा वाली है। इन बजट माए विकसित भारत रे साथे महिला वारा सशक्तिकरण री झलक नजर आ सके है। सरकार महिला वारा नेतृत्व माए विकास ने बढ़ावो दे रही है वही कारण है कि हर क्षेत्र माए महिला वारी भागीदारी बढ़ रही है जो आर्थिक विकास खातिर महत्वपूर्ण है।
हाल के वर्षों में बजट में शामिल योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाकर न केवल समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में जेंडर बजटिंग को भी समर्थन मिला है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए कुल व्यय का लगभग 5% भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए आवंटित किया गया था। इससे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति को भी बढ़ावा मिल रहा है। महिला केंद्रित बजट जितना कारगर है उतना महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं। पिछले बजटों में भी विशेष रूप से महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात हो या फिर कृषि क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं आज महिलाओं को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लैंगिक समानता हासिल करने जिसका अर्थ है श्रम बल में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी संभावित रूप से भारत की GDP में अच्छा इजाफा कर सकती है। विश्व बैंक के अनुसार यदि 50% भारतीय महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो भारत अपनी वृद्धि दर 1.5% अंक बढ़ाकर 9% वार्षिक तक पहुंचा सकता है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नजर आती है। महिलाओं के विभिन्न दृष्टिकोण कौशल और नवाचार से अधिक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है वो भी ऐसे समय में जब विकासात्मक बदलाव से भारत वैश्विक मंचों पर प्रगति कर रहा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अंतरिम बजट पेश करेंगी तो इसमें विकसित भारत की झलक के साथ ही देश को विकसित बनाने के लिए आत्मनिर्भर होती नारी शक्ति पर भी फोकस देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट DD News। बीकानेरी महाजन रेंज में भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक चल रहा है। इन सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन ने बढ़ावो देना है। आज कुष्ठ रोग निवारण दिवस है। इन उद्देश्य समाज में कुष्ठ रोग रे प्रति जन जागरूकता लावनो है। जयपुर जिला में आज सु स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार अभियान की शुरुआत करी। इन मौके स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने कुष्ठ रोग रे प्रति जागरूकता लाबारी शपथ दिलाएगी। 13 फरवरी तय चालबा वाला इन अभियान में कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित करी जावेली। 13 फरवरी तक कुष्ठ रोग अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अपन को पूरे जिले के लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी कोई छुआछूती बीमारी नहीं है, ये दवाइयों से ठीक हो जाती है। भेदभाव नहीं करना है और ना ही किसी को करने देने के लिए हमें कहना है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और सभी जगह पर शपथ दिलाई जाएगी और ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजित है। उन ग्राम सभाओं में सरपंच के माध्यम से लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि जो कुष्ठ रोग की है उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। इसके अलावा ये पूरा सप्ताह 31 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक ये पखवाड़ा चलाया जाएगा जिसमें सभी जगह पे ब्लॉक स्तर से ग्राम स्तर पे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह के कुष्ठ रोगियों के लिए इस तरह का भेदभाव नहीं हो। और इसके लिए अब के बाद थीम भी अपने पास में कलंक मिटाएंगे गरिमा अपनाएंगे। अजमेर रा पुष्कर माए अबे जल्द ही मंदिर और सरोवर रो जीर्णोद्धार करियो जावेला। साथे ही पुष्कर विधानसभा क्षेत्र ने चंबल रो पानी भी मिल सकेला। पेश है आरपट। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। पुष्कर को राजस्थान सरकार ने अपने 100 दिन के संकल्प पत्र में जगह दी है और विकास कार्य करवाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है।
पुष्कर के वरिष्ठ पुरोहितों के अनुसार यहां ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार 1300 साल से पहले हुआ था। पुष्कर सरोवर का विकास कार्य और सौंदर्यीकरण भी अब तेजी से होगा। वहीं रावत ने बताया कि चंबल के पानी से अजमेर में पानी से वंचित क्षेत्रों की जलापूर्ति होगी। अमृत सरोवर जल शक्ति अभियान जैसे अभियानों से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में पानी की समस्या से पार पाने का कार्य किया जाएगा। सरोवर का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था। ऐसे सरोवर जो हमारे पुराने सरोवर हैं जिसमें पानी की आवक होनी है, जो अतिक्रमण हो गए उनके रखरखाव की भी आवश्यकता थी, तो हम अमृत सरोवर के रूप में प्रत्येक जिले में ऐसे स्थान छाड़ के वहाँ जाए, पुराने कुएं हो, बावड़ी हो, पुराने सरोवर हो, तो उसका जीर्णोद्धार का काम किया था। अब वापस से उस दिशा में तेजी से बढ़ेंगे और एक एक बावड़ी, एक एक जो पुराने कुएं और एक एक तालाब नाड़ियों को हम ठीक करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अब पुष्कर में भी लोगों की उम्मीदें जगी है। पुष्कर सरोवर, पुष्कर मेला ग्राउंड और ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पूरे विश्व में एक ही माना जाता है, उसका भी अब जीर्णोद्धार कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। राजस्थान सरकार ने भी अपने 100 दिन के संकल्प पत्र में इसको शामिल कर लिया है। 100 दिन के संकल्प पत्र में शामिल करने के बाद में ये माना जा सकता है कि अब जल्द ही पुष्कर की जो तस्वीर है वो बदलेगी। जो लोगों की उम्मीदें हैं, जहाँ पर लोग पूरे विश्व से आते हैं, उनको यहाँ पर आकर आनंद की अनुभूति होगी। शिखा शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अजमेर। सीकर जिला में कृषक उत्पादक संगठन आरी 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम री शुरुआत हुई। नाबार्ड कानीसू आयोजित कार्यक्रम रा उद्घाटन सत्र में पद्मश्री सुंडाराम वर्मा मुख्य अतिथि रे रूप में मौजूद रिया। इन दौरान नाबार्ड रा सहायक महाप्रबंधक ML मीणा समेत दूजे अधिकारी और कृषक उत्पादक संगठन रा अधिकारी उपस्थित रिया। FPOs की जो काज है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है और नाबार्ड द्वारा चलाया गया है, वो किसानों के लिए बहुत ही हितकारी होगा। यहाँ आज जो नाबार्ड के विशेषज्ञ हैं उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मैंने अपने अनुभव भी यहाँ बताए हैं कि किस तरह से हम किसानों का हम भला कर सकते हैं, किस तरह से किसानों की चीज़ों की अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। जो FPOs हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, PODFID फंड है एक नाबार्ड के पास, तो उसमें हम लोग सारे FPOs जो सीकर में बने हैं इस तरह, तो उनके एक कंबाइंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं हम, 3 दिन की और 5 दिन की, BODs की 3 दिन की और CEOs की 5 दिन की। तो वो एक क्रॉस लर्निंग, कैसे आपस में कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए, ताकि एक सामंजस्य लेते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO कैसे एक जिम्मेदारी पूर्वक कैसे काम करे, नए नए चीज़ें कैसे ला सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और किसान भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे हम एक सकारात्मक में बदलाव ला सकते हैं। जी, ये ट्रेनिंग क्षमता निर्माण के लिए FPOs के मेंबर्स को दी गई है। सीकर जिले में जितने भी हमारे PODFID या फिर किसी अन्य CSS के अंडर जो हमारे FPOs प्रमोट किए गए हैं नाबार्ड द्वारा, उनके CEOs और BODs को ये क्षमता निर्माण कार्य में हमने सम्मिलित किया है, ताकि उनको ये बताया जा सके कि FPO की एक फंक्शनिंग कैसे होती है, एक आइडियल FPO को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे उसकी रिकॉर्ड कीपिंग हो, कैसे उसके बिजनेस के एक्टिविटीज़ हों और वो क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो वो आगे भविष्य में कर सकते। नाबार्ड के द्वारा आयोजित इस FPO प्रोग्राम में द्वितीय सेशन में FPO के रिकॉर्ड कीपिंग और कंप्लाइंस के ऊपर चर्चा की जाएगी। इस सेशन में FPOs चूंकि एक कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड है, इनके लिए बहुत सारी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, इसके अकाउंट कीपिंग, उनकी कंप्लाइंसेज, उनके रिटर्न्स के ऊपर चर्चा की जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप रा सुपर सिक्स में आज भारत रो मुकाबलो न्यूजीलैंड सु वेलो। भारत अबे तई सगला ग्रुप मुकाबला में जीत दर्ज कीनी है। और प्रदेश में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु उत्तर पश्चिम राजस्थान में बारिश होबाने संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि पहलो पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी सु सक्रिय होवेला, जिणरे चालता श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू रे आसपास रा खेत्रा में मेघ गर्जन रे साथे बिरका होबारी संभावना है। वटे ही दूसरो पश्चिमी विक्षोभ 3 फरवरी सु सक्रिय होवेला। इंड साथे ही मोटी मोटी खबर एक फेर सु।
राज्य विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल रे साथे भी शुरू शहीद दिवस माथे 2 मिनट रो राख्यो गयो मौन। प्रश्नकाल में जिला री सुरक्षा और शमशान और कब्रिस्तान रा विकास ने लेर विधायक करिया सवाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री पुण्यतिथि आज राजघाट स्थापित बापूरी समाधि माथे भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पुष्पांजलि किनी अर्पित। भारत और सऊदी अरब रे बीच महाजन रेंज में चल रो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग ने मिले लो बढ़ावो। कुष्ठ रोग निवारण दिवस आज जयपुर में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की भी शुरुआत। 13 फरवरी तक चले लो अभियान। और प्रदेश में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु उत्तर पश्चिम राजस्थान में बिरखा होबारी संभावना। मौसम विभाग कानेसु श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ समेत कई क्षेत्र में मेघ गर्जन रे साथे वे सके है बिरखा। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार आमाय बारी तो नमस्कार।